भाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में कितने विषय होते हैं तथा फीटर ट्रेड में कितने विषय होते हैं। अगर आपने न्यू एडमिशन लिया है तो कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो आपको कौन कौन सी परीक्षा देनी पड़ेगी, उसी के बारे में हम पूर्णतः डिस्कशन करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में हमें क्या क्या करना होता है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में यानी कि कितने विषय होते हैं। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में सबसे पहले जो होता है ट्रेड थ्योरी होता है। ट्रेड थ्योरी में आपको मोटर जनरेटर आदि तथा बेसिक इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रूमेंट के बारे में जैसे कि प्लायर, पेचकस, हैमर्स, विभिन्न प्रकार के वाइस, विभिन्न प्रकार के आदि के बारे में जानकारी दी जाती है। फिर एक ट्रेड प्रैक्टिकल होता है, जितना आप थ्योरी में पढ़ते हैं उसी का प्रैक्टिकल कराया जाता है। उसके बाद बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है, क्योंकि आप एक टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं इसे इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में भी जानकारी होना आवश्यक है। उसके बाद वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस होता है, यानी मैथ का बेसिक पोर्शन जो होता है, जैसे परसेंटेज हुआ, रेशियो प्रोपोर्शनल हुआ, दशमलव भिन्न हुआ, और फिर साइंस में आपका थोड़ा सा फोर्स होता है, वर्क पावर एनर्जी होता है, हीट एंड टेम्परेचर होता है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में आता है। फिर होता है कि एम्प्लायबिलिटी स्किल, जिसमें लगभग हाई स्कूल बेस तक का इंग्लिश की जानकारी दी जाती है तथा कंप्यूटर से संबंधित कुछ जानकारियाँ दी जाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके सीबीटी परीक्षा के लिए, कि सीबीटी परीक्षा में कहाँ से कितने प्रश्न आते हैं। सबसे पहले आपका एक सेशनल एग्जाम लिया जाता है जो 200 मार्क्स के होते हैं। सेशनल एग्जाम कितने होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं। वो आपके कॉलेज पे ही कराया जाता है, वो ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मूड में कॉलेज के ऊपर निर्भर करता है किस तरह से कराएंगे। उसी तरह से फिर उसके बाद जब सेशनल हो जाता है उसके बाद आपके कॉलेज पे लगभग सेंटर ही रहता है या ट्रेड प्रैक्टिकल कराया जाता है। ट्रेड प्रैक्टिकल जो कि 250 नंबर का होता है, ट्रेड प्रैक्टिकल लगभग आपको उस दिन, जिस दिन ट्रेड प्रैक्टिकल की परीक्षा रहती है उस दिन सुबह से लगभग शाम हो जाती है लगभग जो आपको पूरे 8 घंटे का समय मिलता है ट्रेड प्रैक्टिकल में, जो जिसके मार्क्स होते हैं 250 होते हैं। फिर आपका एक सीबीटी परीक्षा लिया जाता है, सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है 150 नंबर का होता है, 150 मार्क का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, 150 नंबर का जो 150 नंबर के होते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। देखिए अब सब जोड़ लीजिए, 5 5 10 2 2 4 1 5 1 6, यानी आपका जो पूर्णांक है इस समय 600 नंबर का होता है। 200 का सेशनल एग्जाम हो गया, इंटरनल एग्जाम, उसके बाद 250 का प्रैक्टिकल हो गया, फिर 150 नंबर का जो होता है सीबीटी परीक्षा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। अब आइए एक एक करके देखते हैं कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। सीबीटी परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है ट्रेड थ्योरी, जो कि 38 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी से पूछे जाते हैं। ट्रेड प्रैक्टिकल का एग्जाम ऑफलाइन में हो चुका है। इंजीनियरिंग ड्राइंग से आपके 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एम्प्लायबिलिटी स्किल से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीबीटी परीक्षा में। अब ये टोटल जोड़ लिया जाए तो कितना हो जाएंगे, टोटल या जोड़ने पे हो आपके 75 क्वेश्चन हो जाते हैं। 75 क्वेश्चन जो कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 150 नंबर के ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम होता है। सीबीटी एग्जाम यह जो होते हैं आपके पूर्णतः निमी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन बैंक से प्रश्न आते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर यह क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं तथा लगभग कुल मिला के लगभग 600-700 क्वेश्चन हैं, 600-700 क्वेश्चन सब पे प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल पे। प्रत्येक प्रश्न आपकी परीक्षा में वहीं से आएंगे, आप 150 में 150 पा सकते हैं, आप बढ़िया परसेंटेज पा सकते हैं है इस चैनल के माध्यम से। इसलिए आप अभी से पढ़ाई जारी रखें, क्योंकि आपकी परीक्षाएं हैं लगभग मई या जून में हो जाएंगी। अब आगे देखते हैं, इसी तरह से ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए था, और एक फीटर ट्रेड के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। फीटर ट्रेड के लिए, फीटर ट्रेड में भी वही होता है, पहले ट्रेड थ्योरी होता है, फिर ट्रेड थ्योरी में आपको विभिन्न प्रकार के हैमर, वाइस, लेथ मशीन, बिल्डिंग इक्विपमेंट्स और बेसिक टूल्स, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर आदि की जानकारी दी जाती है। फिर प्रैक्टिकल में बेसिक फिटिंग्स का प्रैक्टिकल कराया जाता है। उसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग को भी पढ़ना है। इंजीनियरिंग ड्राइंग के बाद वर्कशॉप कैलकुलेशन आता है। वर्कशॉप कैलकुलेशन में भी वो एकदम कॉमन पोर्शन होता है, एम्प्लायबिलिटी भी इलेक्ट्रीशियन की तरह कॉमन पोर्शन होता है। बाकी देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्कशॉप कैलकुलेशन और एम्प्लायबिलिटी स्किल या फीटर और इलेक्ट्रीशियन के लिए दो सभी कॉमन पोर्शन है, यानी कि जो परीक्षा में इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन फीटर में आएगा वही जो है इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए आता है, यानी फर्स्ट ईयर के लिए बिल्कुल कॉमन होता है। बदलता क्या है, ट्रेड थ्योरी और ट्रेड प्रैक्टिकल।
ट्रेड थ्योरी के जो 38 क्वेश्चन होंगे, फीटर के कुछ और होंगे, इलेक्ट्रीशियन के कुछ और होंगे, बाकी इंजन ड्राइंग, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इम्प्लायबिलिटी स्किल कॉमन पोर्शन होता है। और अब की बार जो है सिलेबस को थोड़ा सा बदलाव किया गया है, नए PDF आने शुरू हो गए हैं, आप पढ़ाई जल्द से जल्द अपना प्रारंभ कर दें, क्योंकि आपके परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न जो होते हैं निम्मी क्वेश्चन बैंक से आते हैं, निम्मी क्वेश्चन बैंक अपना बनाई है, वहीं से प्रत्येक प्रश्न आते हैं, तथा जो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं उसमें से भी बहुत सारे प्रश्न फंसते हैं। अगर आपका निम्मी क्वेश्चन बैंक लगभग 700-800 प्रश्न हैं टोटल सभी सब्जेक्ट को मिला के, अगर आप ये पूरा तैयार कर लेते हैं तो आपका 150 नंबर तैयार हो जाएगा, 150 नंबर और आपका रेडी हो जाएगा। यही था इलेक्ट्रीशियन ट्रेड और फिटर ट्रेड में क्या है, हमें कितने विषय पढ़ने होते हैं, उसी की एक बेसिक सी जानकारी थी। फिटर में भी उसी प्रकार से होता है कितने नंबर का, ट्रेड थ्योरी जो होती है यानी कि सबसे पहले वहाँ पर भी सेशनल एग्जाम कराया जाएगा 200 नंबर का, फिर ट्रेड प्रैक्टिकल 250 नंबर का, उसके बाद 150 का ऑनलाइन, यहाँ भी 600 नंबर का होता है। फिटर में भी कितने नंबर का हो गया, 600 का हो गया। इसी तरह उसमें भी 38 क्वेश्चन फिटर में भी आते हैं ऑनलाइन में, 38 क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन में भी आते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो होते हैं 6 क्वेश्चन और व्हाट्सएप से 6 और इससे 25, यानी फिटर और इलेक्ट्रीशियन की CBT परीक्षा लगभग सेम है, बस थ्योरी का जो पोर्शन है अलग अलग हो जाता है। इसलिए आप अभी से आपके हमारे चैनल के माध्यम से आप अभी से पढ़ाई करते रहें, प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में प्रीवियस ईयर और के पेपर को भी सॉल्व कराया जा रहा है और बाकी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है लगभग 500 क्वेश्चन है इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर में, फिटर में भी 500 क्वेश्चन है, वह सभी वीडियोज आप देखते रहें ताकि आप परीक्षा में अच्छे से 80 नंबर प्राप्त कर सकें। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा अधिक से अधिक शेयर कर दें।